नरेंद्र मोदी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कानपुर देहात भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सांसद देवेंद्र सिंह सहित भाजपा विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान देश के हर ग्राम तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य पर विवरण भी दिया गया। अभय अवस्थी, कैमरा 24, कानपुर। की कार्रवाई हो फिर आप कैबिनेट से कार्रवाई माने के लगेंगे, फिर तो आप अगर आपके यहाँ जो है कोई गलती होती है तो आप उसी पर कार्रवाई होती है। आपके सत्रह शराब माफिया को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जो अधिकारी उसमें सस्पेंड कर देना है कि ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट गई, गवर्नमेंट निर्णय ले रही और ऐसे निर्णय नहीं ले रही। पुलिस रिपोर्ट के बाद भी जिलाधिकारी ने एक्शन नहीं लिया तो ऐसे में फिर भी आप जिलाधिकारी ने चाय वाले प्लाई बैठे नहीं आपका, मुझे यही लग रहा है। देखिए, एक कंपनी ने पहले काम किया था जो राजीव गांधी विद्युत ग्राम ज्योति योजना में काम कर रही थी, उस कंपनी ने गड़बड़ किया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया और इसीलिए भारत सरकार के अधिकारियों को कल कानपुर में हमने एक मीटिंग बुलाई है, जो हमारे लोकसभा की मीटिंग है, हमने कानपुर बुलाई, 4 विधानसभा वहाँ पड़ती हैं। इस संबंध में जो जो गाँव छूटे हैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, एक गांव नहीं छूटेगा, एक मजरा नहीं छूटेगा, एक रेवेन्यू विलेज नहीं छूटेगा, जहाँ बिजलीकरण नहीं होगा। तो उसको हम देख रहे, करवा रहे, उसको 1 साल से ज्यादा हो गया, 10 मौतें हो चुकी है कानपुर यहाँ, अवैध शराब का कारोबार क्यों नहीं बंद किया? 4 विधायक हैं और 3 सांसद हैं, 3 सांसद हैं और ये सारे लोगों का प्रयास ही है। अब घटनाएं तो होंगी लेकिन घटनाओं पर नियंत्रण हो, घटनाओं पर इन्वेस्टिगेशन हो, घटनाओं पर दोषी खिलाफ कार्रवाई हो। आप बताइए कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? तो जेल तो गया वो, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था ना कि उस पे नजर रखी जाए। नहीं तो नजर रखी होगी, तभी तो जल्दी कार्रवाई हुई।